नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर लातेहार से है। लातेहार के छिपा दोहर में बीते 23 मई को एक नवविवाहिता मुनीता देवी का शव फंदे से झूलता मिला। इस मामले को लेकर लातेहार पुलिस कप्तान अंजनी अंजन ने आज बड़ा खुलासा किया। कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश थी हत्या के बाद आत्महत्या का रूप देने की। संबंध में जानकारी देते हुए एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरवाडी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। यहां त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी कर प्राथमिकी अभियुक्त को अपनी हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मृतका के पति मनरूप कुमार सिंह ने कहा कि उसने अपनी भाभी कलावती देवी उर्फ सुनैना देवी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की दुपट्टा से गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसी दुपट्टे से फंदा बनाकर घर में लगे पाटन में टांग दिया। मृतका के पति ने कहा कि उसका अपनी भाभी कलावती के साथ करीब 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका ने दोनों को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और वो बार बार इसका विरोध करती थी, और इस वजह से मृतका के पति ने अपनी भाभी के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के बीच में रोड़ा बन रही पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने कांड के दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस छापामारी दल में छिपा दोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह, राजेश कुमार, IRB और सैट के जवान और छिपा दोहर के जवान शामिल रहे। किस तरह की उपलब्धि है सर? ये 23 तारीख को बरवाड़ी छिपा दोहर थाना अंतर्गत एक मुनीता देवी के मर्डर का केस रिपोर्ट हुआ था। उनका 21 वर्ष था और 1 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। उनके पति का नाम मनरूप कुमार। तो केस के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि मनरूप कुमार और उनकी भाभी सुनैना देवी, इन दोनों ने मिल करके उनका हत्या किया। और इसका कारण ये था कि जो दोनों अभियुक्त हैं उनके बीच प्रेम प्रसंग का मामला था, और जब ये बात मृतिका के नॉलेज में आया तो इसी बात को दबाने के लिए इन दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। साथ में पुलिस को गुमराह करने के लिए इसको एक बाहर में टांग भी दिया था ताकि ये लगे कि फांसी लगा ली, सुसाइड किया गया। एक फेक हैंड रिटन सुसाइड नोट भी बनाने का प्रयास किया गया हाथ से लिखकर। तो सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने जाँच किया और उसी क्रम में आज दोनों ग्रुप की अरेस्टिंग हुई। मामले में जो दुपट्टा का प्रयोग हुआ वो इसी हुआ है, पोस्टमार्टम भी कराया गया है और हम लोगों ने सारे साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार कर दिया है। जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड। थैंक यू सर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।